नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार की जनता को प्याज एक बार फिर से रुलाने लगा है। जी हां, प्याज की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही है। एक बार फिर से गरीबों और आम जनता के लिए प्याज खाना मुश्किल हो गया है। आपको बता दे, पटना में इस वक्त प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। 60 से 70 रुपए किलो प्याज मिल रहा है इस वक्त। इसको लेकर बिस्कुमान के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह ने उपभोक्ताओं को सस्ता दर पर प्याज उपलब्ध कराने का ऐलान कर दिया है। सोमवार से बिस्कुमान भवन में प्याज का काउंटर लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10 छोटी पिकअप वैन पर राजधानी में घूम घूम कर उपभोक्ताओं को प्याज उपलब्ध कराएगा। बिस्कुमान के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बाजार में प्याज के दाम में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। आम उपभोक्ताओं को बाजार में 60 से 70 रुपए प्रति किलो प्याज मिल रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं का बजट बिगड़ रहा है। इससे पहले ही चना दाल महंगा होने के बाद से ही बिस्कुमान भवन से उपभोक्ताओं को 60 रुपए प्रति किलो उपलब्ध कराया जा रहा है। अब प्याज का दाम बढ़ने से पूरे राज्य में 163 सेटरों में सस्ते में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बिस्कुमान भवन के काउंटर से भी उपलब्ध कराया जाएगा। आम जनता के पॉकेट पर एक बार फिर से प्याज भारी पड़ रहा है। मुश्किल हो गया है गरीबों और आम जनता के लिए प्याज खरीदना। बता दें आपको कि 60 से 70 रुपए किलो प्याज की कीमत हो गई है। प्याज की कीमत आसमान छूते नजर आ रही है। इसके मद्देनजर बिस्कुमान के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह ने यह फैसला लिया है कि बिस्कुमान में अब सस्ते दरों में आम जनता को प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। किस तरीके से एक बार फिर से आम जनता के पॉकेट पर प्याज भारी पड़ने लगा है, आम जनता को प्याज रुलाने लगा है, ये हमने आपको विस्तार से बताया इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।